ऊपर तेज है भाई इस टाइम, देख रहे हो अब बाइक चलेगी हमारी ऐसे। ये देखो स्नोफॉल हो गया भाई, बढ़िया वाला एकदम। और पूरे में बादल आ रखे हैं, ब्लैक ऊपर स्नोफॉल चल रहा है, फ्रेश स्नो चल रही है। सो जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। क्या हाल चाल आप सबके, होप सब मज़े में होंगे जैसे आपका भाई मज़े में है। और इस टाइम क्या हो रहा है कि थोड़ा हाइट पर आ गया, थोड़ी सांस वांस फूल रही है, जस्ट बिकॉज के इस टाइम पे जो कंडीशन है यहाँ की नेक्स्ट लेवल हो रखी है। अभी तक यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था, शावर था यहाँ पर, और अभी भी स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर देखो आपको पूरे बादल दिख रहे हैं, ये पूरा ढका हुआ है, यहाँ स्नो हो रहा है ऊपर स्नो, और सामने के पहाड़ देखो नेक्स्ट लेवल हो रहे हैं। नीचे बादल दिख रहे हैं आपको इस तरफ में ये पूरा, और ऊपर पूरे की पूरे चोटी ढकी पड़ी है पूरी हाइट तक। और इस टाइम पे ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई है, तो खड़े खड़े ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकता, सांसें फूल रही हैं। और बाकी चेहरे पे मत जाना यार, रात को आपने कल वाला स्ट्रगल देखा, ये कैसा है, किस तरीके से चीज़ों को अभी मैं मैनेज कर रहा हूँ। गोप्रो का डेटा मैं लैपटॉप में रख रहा हूँ, लैपटॉप का डेटा फुल हो रहा है, एक एक करके फाइलों को सेव करता जा रहा हूँ। जैसे जल्दी मेरे को नेटवर्क मिलेगा मैं जल्दी से एक एक करके अपलोड करना शुरू करूँगा, क्योंकि फुल हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास इतना कोई एक्सटर्नल बैकअप वो भी नहीं है, तो दिक्कत है। बाकी हमारे जो ये है फार्मर होम स्टे, इसके अंदर दो चार लोग और आ रखे थे, दो बाइक से आए हैं, और ये दोनों के दोनों कानपुर से आए हैं। बाकी अपनी तो धनो यहाँ खड़ी है, अभी स्नो था क्योंकि यहाँ बारिश नहीं पड़ती, यहाँ डायरेक्ट स्नो पड़ता, तो ये अभी पिघल गया यहाँ पे, इसलिए हो गया। बाकी यहाँ का ये था दी फार्मर होम स्टे, बहुत ही ज़्यादा औसम है। अभी मैं आपको अंदर का लुक दिखा दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ये नंबर है भैया का, इधर आप कॉल कर सकते हैं आपको जब भी आना है यहाँ पर। इसके बाद आपका एक गांव पड़ता है ये वाला पूरा, और रिब्बा करके है ये पूरा गांव, विलेज है ऊपर ही, तो यहाँ पर आ सकते हैं। तो ऊपर देखो सबसे टॉप पर ये जो आइस है, ये बर्फ़ नहीं है, ये पूरे पेड़ वाइट हो रखे हैं पूरे के पूरे। और नीचे ये प्यारी सी नदी जा रही है, मे बी ये शायद सतलुज रिवर है, हाँ अभी कंफर्म हो जाएगा, हाँ सतलुज ये ख्वाब संगम होगा। अभी आगे जब हम जाएंगे तो दो नदियों का संगम होगा, जो आएगा सतलुज और स्पीति रिवर, एक स्पीति से आती है और एक सतलुज रिवर, ये दोनों है, एक आती है चाइना की तरफ से और एक आ रही है स्पीति वाली, स्पीति साइड से रिवर जो आती है। बाकी नो डाउट भाई लोकेशन बहुत अच्छी है, बट ये इस टाइम पर मैं थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड पर आ गया हूँ, तो सांस बोलने में ज़्यादा फूल रही है इस टाइम पर। और अभी आगे का जो कंडीशन है भाई साहब, अभी जो बंदे रुके थे अंदर जो थे उन्होंने बताया, वो लोग आ रहे थे आगे से ही पूरे पे ब्लैक आइस के पैच हैं, पूरा हैवी स्नोफॉल हो रहा है। वो तो आप भी समझ ही गए होगा क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती, इतना मानना है। जब भी हमारे जैसे दिल्ली वगैरह में या नीचे आउटर में जैसे शिमला वगैरह साइड में या और कहीं नीचे बारिश पड़ती है, यहाँ बारिश नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ स्नोफॉल होता है। ये देखो पूरे ऊपर बादल हैं, ऊपर स्नो हो रहा है, अभी यहाँ नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी हल्का है बादल, यहाँ नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ सामने स्नोफॉल हो रहा है, और किन ये जो भैया हैं ये ट्रैकिंग भी कराते हैं, तो किन्नर कैलाश जी की जो रेंज है वहाँ तक आपको लेकर जाते हैं, तो यहाँ से वो रेंज नहीं दिखती है, ऊपर की तरफ से कहीं ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, बहुत हाइट पर है, तो ये भैया भी वो कराते हैं। बाकी यहाँ पर आप आओगे तो आपको ये वर्कशॉप मिल जाएगी, बाइक आप ठीक करानी करा लीजिए, हेयर कट यहाँ पर होता है आपका, ये भी बंद है, अभी आ जाएंगे थोड़ी टाइम बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, आप जब भी आओगे सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। भैया बहुत अच्छे हैं, सारे हेल्पफुल हैं यहाँ पर, हिमाचल के लोग तो वैसे भी अच्छे होते हैं। कल का सीन देखो, स्नोफॉल फिर होने लग गया, अभी कपड़ों पे आपको दिखेगा थोड़ी देर में, अभी आ जाएगा, फिर आ रहा है शावर, हो रहा है धीरे 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 करके, क्योंकि ऊपर अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी मैं आगे जब बढ़ूंगा आपको सारे व्लॉग देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के, क्योंकि रात का कल सीन तो ऐसा था कि मैं फंस गया था, आपको जैसे पता ही है वो एक्सीडेंट वाला सीन था, पर ठीक है यार, गलती उसकी थी, उसने मानी, एक्सेप्ट करी, चीज़ें सारी शॉर्ट आउट हो गई। बाइक मेरी फुल ओके है, एकदम परफेक्ट चल रही है, जैसे पहले थी एकदम ओके की तरह रिपोर्ट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो थक गया यार, सांस लेते रहे, सांस फूल रही है। बाकी ये देखो होम स्टे, ईटिंग पॉइंट, कैंपिंग, ट्रैकिंग, ये सब है अंदर। और ये वाला अपना पूरा का पूरा बना हुआ है, ये फार्मर होम स्टे का पूरा है, ये अंदर वाला बहुत मस्त है। और जस्ट बाहर वाले में मैं रुका था जिसमें कैंप मिला था, क्योंकि अंदर ऑलरेडी चार लोग आ रखे थे ना, तो इस वजह से ये सीन हो गया था। सो भाई अभी तो रेडी हो गया, और स्नोफॉल के शावर हो रहा है फिर से दूर, बहुत ज़ोर से
ठंड लग रही है इतनी ज़ोर से, मेरे जो जुराबों में से पैर जो है ना उंगलियां आप काम करना बंद कर रही है, आगे की सुन होता जा रहा है, इतना ठंडा टेम्परेचर है। और अगर ध्यान से देखोगे हल्का शावर हो रहा है स्नो का, हल्का हल्का दिखेगा। तो ऊपर बादल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ऊपर नेक्स्ट लेवल की बर्फबारी हो रही है। और ये हमारा बैक साइड का फार्मर का कुछ इस तरीके का हिसाब है, ठीक है। अब आपको अंदर ले कर दिखाता हूँ मैं कैसा है। शू वगैरह यहाँ पे सारा बाहर निकालना है, अंदर तो शू वगैरह पहन नहीं सकते। और रात का जो स्टे था हमारा वो इस कैंप में था। सो भाई ये लड़की रेडी हो रही है, भाई केजरीवाल चेहरा दिखाओ, खास कर दिखाना भाई बहनों, खास कर खास कर दिखाओ। केजरीवाल की बेटी। ऐसी बात नहीं है, मेरा टोपा इन्होंने खो दिया, ये लगा के घूम रहे। मैं घूसा दूंगा, ये मेरा वाला है। पता क्यों भाई, हम दोनों के ना सेम थे, इसने ना इसका ये वाला उतार दिया था। और अपनी निशानी रहती है ना, मैंने निशानी रखी थी, मेरे को अच्छा लगता है तो ये वाला बैच लगा हुआ था, इससे मेरा पहचान में आ रहा है। तो तुमने भाई, मैं सच बता रहा हूँ, इधर ही था। बाकी गाइज अंदर का आप देख लो, अंदर का कुछ इस तरीके से है रूम। बाकी तो भैया भी अपनी काजा करके आए थे, चार लोग हैं और थोड़ा सा फैला हुआ है। सो पूरा ये बैम्बूज का बना हुआ है ये वाला रूम, मस्त एकदम फुल पावर में है, पूरा स्विच वगैरह एंड सारा हीटिंग वगैरह का सारा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, मस्त एकदम। बट बाहर की कंडीशन बहुत गंदी वाली ख़राब है। बाकी भैया आए थे, भैया काजा में कैसी कंडीशन थी? बहुत बढ़िया, स्नोफॉल है वहाँ पे, हाँ मस्त एकदम, आप जाओगे मज़ा आ जाएगा पक्का। बस थोड़ा सेफली जाना, रात भी भैया बहुत गड़बड़ है। तो भाई बाहर का तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, भैया ने वीडियो भी दिखाई थी, तो थोड़ा सा मेरे को जो एक्स्ट्रा स्नो ट्रेल करना था वो अब देख के थोड़ी सी हालत सी ख़राब हो रही थी। बिकॉज के उस लेवल का एडवेंचरस बंदा नहीं हूँ मैं कि स्नो में इस लेवल में बाइक चला लूँ, पर ठीक है अब पहुँचे हैं तो वहाँ तक भी देखेंगे क्या होता, गिरेंगे पड़ेंगे। बाकी केजरीवाल की लड़की है मेरे साथ, ये पहले गिरेगी, मैं तो गिरूंगा नहीं भाई। शीतल तुम गिरोगी? मैं नहीं गिरूंगा, पीछे तुम कल भी तुम ही गिरे थे, मैं नहीं। चार बार पटकी खाओगी तुम ही गिरे थे कल भी, मैं नहीं गिरी थी। पता तुम जो गिरोगे तो चार बार पटकी खा के घूमोगे, फिर एवलांच आएगा स्नो का एकदम, तुम बर्फ का गोला बन के बाहर गिरोगी भाई। बट पता नहीं अपने गोप्रो में दिक्कत क्यों आ रही है कि अपना ना ये चार्जिंग वाला सिस्टम लगा के ही अपना ये काम कर रहा है, अदरवाइज तो अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तो एक एक मिनट में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जा रहा है, बैटरी का एरर दिखा रहा है, जबकि सब चीज़ है, बैटरी भी है इसमें, सब चीज़ फुल बढ़िया है, पर अब क्या कर सकते हैं। बट ठीक है, अब कोई नहीं, अपने बैग वैग पैक हो गए हैं, निकल रहे हैं। और बाहर स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, अब थोड़ा सा तेज़ हो रहा है, ऊपर भी जाएंगे पता लगेगा। बाइक को कोल स्टार्ट करते हैं भाई, पजामा खिंचवा रहा हूँ अंदर से, मेरा किच नहीं पा रहा ना। हाँ चलो, अभी तुम्हारे सवास ही निकाल दूंगा। केजरीवाल की बेटी है भैया ये भी ऐसी बोलती है, दिल्ली के देशवासियों बिजली फ्री। ये वाला भी शीतल, ये वाला भी, इतना काम मैंने कर दिया, थोड़ा सी मेरी हेल्प कर दो, क्या चला जाएगा, भगवान पुण्य देगा। केजरीवाल तो कुछ दे नहीं पाया, केजरीवाल तो कुछ दे नहीं पाया, दिया ना उसने मुझे कम से कम मफलर दिया है, तो मैं फ्री डेढ़ साल तक बस करो फ्री वाली हो तुम भाई। डॉग देखो कितना भाई, काटता तो नहीं है ये डॉग, नहीं है भाई साहब, जैगुआर लग रहा है पूरा, देखो कितना भरा हुआ है ना पूरे बालों से। हेलो करो बाबू, स्नो में ढक कर आ रहा है भाई ये, और बाहर स्नोफॉल तेज हो गया, देखो फुल पावर तेज है भाई इस टाइम, ये देख रहे हो। अब बाइक चलेगी हमारी ऐसे, ये देखो स्नोफॉल हो गया भाई, बढ़िया वाला एकदम। ओ यस, अब कारनामा थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल जाने वाला है, बर्फ पड़ गई है। तो भाई इतनी बाइक देख लो, अकेले करने के बाद ना पूरी हालत कैसी तैसी हो जाती है। और ये अभी अभी आई है केजरीवाल की लड़की, बाकी मैं थोड़ा सा कमांडो टाइप का लग रहा हूँ, मेरे को रेडी होना है, बाइक मेरी पूरी लोडेड है, सेट है एकदम। और वो भी अपने सारे भाई लोग जा रहे हैं वापस, नीचे उतर रहे हैं शिमला की ओर आगे, और दिल्ली कानपुर जाएंगे। हमको बढ़ना है मोस्ट एडवेंचरस ट्रेल पे, और आपको आज इसका जो एडवेंचरस मामला है वो आज इसका खतरनाक लेवल ही मिलेगा। और ऊपर साइड हवा भी बहुत तेज़ है, पूरे वो बादलों में अंदर जाएंगे अभी हम लोग, और ऊपर पूरा वो पूरा स्नोफॉल हो रखा है। बाकी ये फार्मर होम स्टे है, कॉन्टैक्ट नंबर आप देख लो, इसमें बहुत अच्छे प्राइसेस में बहुत अच्छा स्टे मिलता है आपको। चलो भाई निकल लिए, मेरे गूगल पे कोहरा जम रहा है यार। मैप लगा लूंगा मैं, लगा हाँ चलो बैठो। चलो गाइस यहाँ चेक पोस्ट था,
चेक पोस्ट पे एंट्री करानी होती है कि कल को कुछ बात हो जाए तो रेस्क्यू करने टीम आए। बाकी सब ओके है, सब फाइन है। अब हम चलते हैं आराम आराम से जिंदगी के नज़ारों के मजे लूटते हुए। 2 घंटे का रास्ता है, 76 किलोमीटर का आज का डिस्टेंस है, पर अगर हम टाइम पर पहुँच गए 12-1 बजे तक तो हम ट्राई करेंगे आगे निकलने का, अगर स्नोफॉल नहीं रहा तो। देखो गाइस अब क्या लोकेशन आ गई है, देख लो पहाड़ कैसे हो गए। यहाँ पे आपको मोस्टली पहाड़ों पे ना पेड़ नहीं मिलेंगे आगे जाकर, क्योंकि वहाँ पूरे ढके रहते हैं तो उस वजह से वहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं और जिस वजह से ही ऑक्सीजन की कमी आती है बहुत ज़्यादा। तो ये सामने कुछ इस लेवल का लैंडस्केप है तगड़ा वाला, और मेरे जस्ट बगल में ही खाई है और पानी चल रहा है इधर से, और पूरे पहाड़ ऊपर का देखो पूरे पे स्नो हो रही है, पूरी वाली पूरे पे स्नो है भाई, तो पूरे पे तगड़ा वाला स्नोफॉल हो रखा है। तो गाइस जब भी आप आएंगे ना कभी तो ऐसे भी रोड पर ना बीच बीच में ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम होते रहते हैं, क्योंकि क्या है ये लोग साफ करते हैं रोड को पर ऊपर से वो सारा का सारा बर्फ फिर से पत्थर वगैरह ये नीचे गिरते हैं, सारे पत्थर ऊपर से गिरे हुए, तो ऐसे कई सारे पैचेस आएंगे जहाँ पे आपको ये सारा काम होता हुआ मिलेगा। जैसे देखो ये हो रहा है, ऐसे कई जगह में मिलता है। और आगे देखो इधर रिवर बह रही है, एकदम ब्लू पानी है, कंडीशन देखो उस पानी का एकदम तगड़ा वाला ब्लू है। बाकी ये वाला नज़ारा देखो आप, कैसे पहाड़ कटे हुए पत्थरों के पहाड़ एकदम फुल और ऊपर स्नो है, यहाँ का हिसाब देखो कितना बेहतरीन लग रहा है। ये नज़ारे आपको और कहीं नहीं मिलेंगे बजाय सिर्फ स्पीति वैली और लेह लद्दाख वाले रोड पर, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये नज़ारे। बाकी ये बंजर पहाड़ देखने का नज़ारा मज़ा ही अलग कुछ होता है। तो अब रोड अच्छे बन गए हैं क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस पर कंस्ट्रक्ट करता है जो हमारी BRO टीम है, क्योंकि यहीं से रास्ता जाता है चाइना बॉर्डर के लिए जो आगे स्पीति से कनेक्ट करेगा आपका चाइना बॉर्डर। तो यहाँ पे आर्मी के ट्रक्स आपको आते हुए मिलते रहेंगे, और मैंने आज अपनी लाइट्स पर कवर कर दिया क्योंकि आगे पुलिस वाले कोई ऑब्जेक्शन ना करे, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है सामने पहाड़ी रास्ते पे सामने किसी को कुछ नज़र नहीं आता। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें, ऑब्वियसली सही बात है एकदम, नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ये डर रही है, पिछली बार ना इसने अपने हाथ में फ़ोन रखा हुआ था एंड क्या हुआ कि जब स्नो पे बाइक स्किड करी थी तो गिरी और फ़ोन इसके हाथ में था, वो फ़ोन भी टूट गया था। तो अब ये डर रही है कि मेरा फ़ोन ना टूट जाए। ये देख लो भाई ऐसे ऐसे नज़ारे मिलेंगे आपको, ये जो पहाड़ों के नीचे से जाएंगे अभी हम, ये वाला देखो भाई पूरा पहाड़ कटा पड़ा पूरा का पूरा। ऐसे बेहतरीन नज़ारों के लिए हम यहाँ पे आते हैं। ये देखो भाई क्या सीन है इस गाड़ी का, ये ऊपर से गिरी होगी कहीं से और इस गाड़ी का कुछ नहीं दिख रहा कुछ भी इतने तक। ये देखो क्या बुरा हाल हुआ है। तो ऐसे ऐसे नज़ारे आपको रोड पर खुशी के साथ साथ बहुत सारे सदमे भी मिलते हैं जब ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं शूटिंग रेंज एरिया है, शूटिंग रेंज मीन्स के इधर से ये सारे पत्थर जो है ना ये गिरते रहते हैं, ये रोडों पे आपको बहुत मिलेंगे गिरे हुए और ये लाइव दिख जाएंगे आपको अगर गिर रहे होंगे तो, इतने बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं क्योंकि सारे पत्थर छोटे छोटे स्टोन्स हैं निकल के वाइब्रेशन के साथ गिरते रहते हैं। और यहाँ पे आया है श्री माती डांग माता, जय माता दी, रक्षा करना आगे हमारी, हमारी राइड अच्छे से करना। बहुत ही ज़्यादा सुपर रास्ता है, थोड़े बहुत पैचेस आते हैं जहाँ पे काम चल रहा होता है पत्थर गिर जाते हैं जिस वजह से रोड टूटता है, पर इतना है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काम चलता है इस पर, तो ये हैंड टू हैंड रोड इतना चमकदार बना हुआ है ना देखो कितना ब्यूटीफुल है, जबकि इतने डेंजरस रोडों में से बना हुआ ये रोड के आते ही टूटता है पर इसके गड्ढे फिल हो जाते हैं भाई, ये चीज़ देखने कहने वाली मानने वाली बात है। तो ये काफ़ी डेंजर है। बाकी अब रोड और नज़ारों के मजे लो, सारे सूखे पहाड़ हैं और ये देखो पूरे आइस से भरे हुए, अभी टेम्परेचर बहुत ऊपर डेंजर हो जाता चला जाएगा, मतलब टेम्परेचर जो है काफ़ी डाउन हो जाएगा, माइनस में पहुंच जाएंगे अभी बाइक चलानी। देखो ये पत्थर गिरे पड़े हैं, देखो कितने सारे बड़े बड़े, ये ऐसे आते रहते हैं रोड पर, अब ये क्लीन होंगे जब वहाँ फिर ट्रक वगैरह आएंगे तो रोडों पे से साफ करते चलते हैं। भाई गाइस हवा तेज़ है, सामने का व्यू देखो, ये चेक करो किस लेवल का व्यू है, पूरा एकदम ऊपर स्नोफॉल चल रहा है, पूरे वाइट हो रहे हैं पहाड़ और अभी हम जाएंगे आगे। तो गाइस
होपफुली आवाज आ रही होगी यार, हवा एक्चुअली ना बहुत ज्यादा तेज है और मैं हेलमेट से उतार के ही मैं व्लॉग कर रहा हूँ। लोकेशन ये देखो, इसकी हालत भाई हालत वालत नहीं है, मैं बैठ फुल पावर में है भाई, ठंडा एकदम ठंडी हवा, बाल बाल सब सब अकड़ गए भाई पूरे, और पूरा ये वाला जिस लोकेशन पे हम लोग खड़े हैं 360 व्यू देखो एक बार इसका आप, स्लोली स्लोली ये जैसे पहाड़ दिख रहे हैं आपको ये, और ये देखो जस्ट सामने वाला पूरा भरा पड़ा भाई, इतनी ऊपर पीक है इसकी पूछो मत, और पूरे पे बादल आ रखे, ब्लैक ऊपर स्नोफॉल चल रहा है, फ्रेश स्नो चल रही है, और जस्ट मेरे यहाँ पर ये सूखे पहाड़ ये वाले, तो ऐसा कुछ हिसाब है गाइस। फुल मजा आ रहा है सारी चीजें, और होपफुली आप लोग भी व्लॉग इंजॉय कर रहे होंगे मेरे, मजा आना भी चाहिए यार, मेहनत कर रहा हूँ तो तुम्हारा भाई, वैसे बता देना कमेंट करके आज कैसा लग रहा हूँ, वैसे मैं बाल वाला भी ठीक है वैसे, हेलमेट को ऐसे हो जाते हैं यार आप सबको पता ही है वैसे भी वो, तो बाकी तुम्हारा भाई थोड़ा सा स्मार्ट है तो थोड़ा ऐसे हाथ मत लगा के सीधा कर लेता हूँ, केजरीवाल की लड़की की तरह थोड़ी कुछ आता ही नहीं है, लेफ्ट राइट बोल रहा हूँ, राइट जाना है लेफ्ट बता दिया, वो तो शुक्र है हम लोग अभी यहीं खड़े हैं, मैंने कहा मैप दिखाओ ये देखो ये टर्न है, तो मैप कंफ्यूजन हो गई है, लेफ्ट राइट बोल रही है भाई, राइट को लेफ्ट बोल दिया इनने, दो बार तुम्हें ट्रिप करनी है 6-6 महीने के साल में, एक एक बार तुम ट्रैवलर बन जाओगे, बाकी डॉगी हमारे साथ कम, कितना प्यारा है देखो, सारे सब अच्छे हैं यार हिमाचल के सारे, हमारे दिल्ली के कुत्तों को देखो अभी काटना शुरू कर दे, हाँ आ जाओ बस 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 अब नहीं ठीक है, आप यहीं पे रहो आराम से, हम अभी घूम कर आएंगे तो आपसे मिलेंगे वापसी आते टाइम, ठीक है बेबी, हाँ गुड बॉय हो गर्ल हो,